जानकारी हुई कि कृष्ण कुमार जी को किसी ने धमकी दी है, उनसे बात करने का प्रयास किया गया, उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। इंस्पेक्टर हजरतगंज को भेज के उनसे बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि 12 से 1 के बीच में उन्हें 4 डिजिट के एक नंबर से कॉल आई थी। भाषा बहुत स्पष्ट नहीं थी उनकी। उनका ये कहना है कि यह व्यक्ति हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र का नहीं लग रहा है, कोई दूसरी भाषा बोल रहा था, लेकिन जो वो समझ पाए का ये कहना था कि वो ये कह रहा था कि आपने ठीक नहीं, जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया। इस पर एक तो उनकी जो कॉल डिटेल है वो निकाल के देखी गई तो उससे ये स्पष्ट हुआ कि ये इंटरनेट कॉलिंग से ये का ये नंबर रहा होगा, क्योंकि कृष्ण कुमार जी का नंबर सभी वेबसाइट पे लगभग और सारे सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। लेकिन फिर भी उनको उनके आवास पे जो स्थानीय पुलिस है वहाँ वो उनको सुरक्षा के लिए निर्देशित किया गया, और जहाँ पर वो अपना व्यवसाय करते हैं, जहाँ पर वो टाइपिंग का कार्य करते हैं, वहाँ पर भी पुलिस को निर्देशित किया गया कि वहाँ पर भी उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें, आते जाते समय भी इस बात का ख्याल रखा जाए कि उन्हें किसी तरह की कोई हानि कोई क्षति न पहुँचे। समय हो गए दोपहर में, तमाम जगह से काले आई थी, उसमें काल आई, उन्होंने पूछा किशन कुमार बोल रहे, हमने कहा बोल रहे, कहने आप ही ड्राइवर टूटा था, मैंने जहाँ टूटा था, कहीं जो आप कार्रवाई कर रहे हैं मीडिया के साथ जितना चल रहे हैं इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो हमने किसी से कहा नहीं, बहुत घबराहट से उन्होंने, मैं उठ के चला गया, मीडिया वाले हमारे पीछे पीछे चले गए, उन्होंने पूछा तो मैंने उनको बता दिया कैसी ऐसी बात थी, तो हमको सुरक्षा मिली है, मुझे पुलिस घूमते लेके आई है और सुरक्षा में लगे हैं आप लोग और ये मुझको पहुँचाने जाएंगे वहाँ तक। ये मैडम जब तक हम नंबर नोट करते थे तब तक नंबर गायब हो गया, 4 नंबर का था, 4 या 5 नंबर का था, इतना ध्यान नहीं है। ये कैसे पता चला कि ये इंटरनेशनल कॉल? उसकी भाषा ऐसी थी ना, मतलब वो यूपी की भाषा नहीं थी, कोई मद्रासी टाइप की या बंगाली टाइप कुछ ऐसी भाषा थी, पूरी हिंदी नहीं बोल पा रहा था वो, और उसने ये भी कहा कि मैं पुलिस वाला हूँ, बाद में कहा कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, मैं देख लूँगा। हमने कहा आप देख लीजिएगा और क्या। जब मीडिया ने खबर पहुँचाई चारों तरफ तो SP साहब के संज्ञान में आया, SP साहब ने सुरक्षा के लिए जो है वो आर्डर किया। अब चूंकि हमारे पास, हमने आज मोबाइल बंद कर दिया था अपना, फिर आज मोबाइल बसता रहता है, हम सो गए तो SP साहब ने कहीं फ़ोन किया होगा मेरे पास, चूंकि मोबाइल बंद था इसलिए कुछ हुआ नहीं। 5:30 बजे पुलिस वाले हमारे वहाँ पहुँच गए, वहाँ उठे थे कहने कि आप चलिए आपकी सुरक्षा के लिए SP साहब ने लगाया है, वो हमको ले कर किया है, हमारा टाइपराइटर भी उठाया, हम यहाँ 7 क्वार्टर में टाइपराइटर अपने रख देते, उन्होंने खुद ही उठा के जीप पर रखा, जीप रख के यहाँ लेके आए, और जब तक हजरतगंज की पुलिस यहाँ नहीं आई तब तक वो खड़े रहे, जब यहाँ के पुलिस वाले आ गए तब वो ओके करके तब गए। अब ये हमारी ड्यूटी पे लगे सुरक्षा में। नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं नहीं उसमें कोई डर की ऐसी बात नहीं है भाई, परिवार के लोगों को डर कहेगा, काम तो हमारे साथ हो रहा ना, तो परिवार डर कहेगा। नहीं हम तो नहीं चाहते, हाँ ऐसी काले बहुत आया करती है, पूरी ज़िंदगी भर काले सुनते चले आ रहे हैं हम, हमने तो मना किया था, हम कहा तुम बेकार आ गए, जो होगा देखा जाए, हम खुद नहीं चाहते कि हमारी सुरक्षा हो, लेकिन चूँकि शासन ने दिया है तो हम मना नहीं करेंगे।